नमस्कार दोस्तों, बहुत अधिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने पीटीटी का एग्जाम दिया है तो उसकी दो काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है और अब तीसरी काउंसलिंग की बारी है। कई स्टूडेंट्स का नंबर अभी तक नहीं आया है और सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि क्या थर्ड काउंसलिंग होने वाली है या नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि कितनी सीटें खाली है कॉलेजों में। तो इसको लेकर हम लोग एक बिल्कुल क्लियर न्यूज़ लेकर आए हैं आपके पास, कितनी सीटों की अभी भी गुंजाइश है, कितनी सीटों पर आपका एडमिशन हो सकता है, तो उसी को हम देखते हैं विस्तार से। लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आप तक लगातार मिल सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। फ्रेंड्स, पीटीटी की सेकंड काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजों में काफी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं और इसमें डूंगर कॉलेज बीकानेर ने पीटीटी की काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की घोषणा करते हुए 19 तारीख से कक्षाएं प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन बीएड के अधिकांश जो कॉलेजेस हैं उनमें अभी भी काफ़ी सीटें खाली हैं। और अगर अपन बात करें अलवर की, तो अलवर में 65 कॉलेजों में लगभग 100 सीटें खाली है और ये सूचना हमें मिली है एक समाचार पत्र से जो अलवर से प्रकाशित हुआ है। उसका आप स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाएगा, उसमें क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें खाली है। साथ ही साथ अगर चर्चा करें सीकर के कुछ कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर कुछ निजी बीएड कॉलेज के संचालकों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग प्रत्येक कॉलेज में 4 से 5 सीटें खाली है। तो आप कल्पना कीजिए, सीकर अकेले, सीकर में 90 कॉलेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग 400 से 500 सीटें हैं यहाँ खाली होने की संभावना बताई जा रही है। पूरे राज्य में ये संख्या कितनी हो सकती है आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो संचालकों का क्या कहना है कि कई विद्यार्थी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ कॉलेज संचालकों को इसमें 27,000 रुपये प्रति विद्यार्थी यानी 2 वर्ष का लगभग 54,000 रुपये का उनका मॉनिटरी जो है लॉस हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। और इसलिए इन संचालकों ने पीटीटी कार्यालय में एप्लीकेशन लगाई है कि इसमें दोबारा काउंसलिंग करवाई जाए, थर्ड काउंसलिंग की जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को भी इसका मौका मिल सके और कॉलेज वालों को इससे आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़े। और थर्ड काउंसलिंग की स्थिति फिर भी अभी स्पष्ट नहीं है, 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। लेकिन हर साल यही होता है कि चाहे पीटीटी करवाए या फिर कोर्ट के माध्यम से हो, थर्ड काउंसलिंग होती है। फिलहाल इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम इस साल भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये थर्ड काउंसलिंग होने की कुछ संभावना अभी भी बाकी है, क्योंकि संख्या सीटों की खाली है। इस मामले में कॉलेज संचालक भी प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ अभ्यर्थी भी इसको लेकर काफ़ी सतर्क हैं। तो आप भी अगर अपनी ओर से प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है थर्ड काउंसलिंग जल्द स्टार्ट हो तो 1 या 2 दिन में इसका निर्णय होने की संभावना है। 1 या 2 दिन में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी पीटीटी कार्यालय से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नया इश्यू होगा, आपको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे ये सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कृपया अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पीटीटी काउंसलिंग से संबंधित किसी भी समस्या या आशंका या के समाधान के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।